नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो बिग बॉस सीजन 13 टीवी पर आ गया है। इसका ग्रैंड एंट्री हुआ मुंबई में और हमेशा की तरह सलमान खान इस शो को जो होस्ट करते हैं नज़र आए। सलमान खान माधुरी दीक्षित के साथ नज़र आए, जिसपे वो पहला प्यार है गाने पर परफॉर्म करते हुए नज़र आए और दोनों ने इस मोमेंट को रिक्रिएट किया। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित डांस दीवाने सीजन 2 के प्रमोशन के लिए बिग बॉस सेट पर आई थी। दोनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया उनकी परफॉर्मेंस को। अब आते हैं कंटेस्टेंट्स के नाम की तरफ। इस साल क्लियर हो गया है कि 13 कंटेस्टेंट्स अभी तक इस सीजन में हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंटेस्टेंट्स की जो कि टीवी के फेमस चेहरे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा हमें लड़कियाँ नज़र आ रही हैं और लड़कों की जनसंख्या कम है। कहा जा रहा है इस सीज़न में कि ये सीज़न वीमेन एम्पावरमेंट का सीज़न है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है इस सीज़न में लड़कों के कंपैरिजन में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रश्मि देसाई की, जो कि टीवी का एक फेमस चेहरा है और काफ़ी सीरियल्स में नज़र आ चुकी हैं। उत्तरन आप सबको याद ही होगा, जो उनका फेवरेट कैरेक्टर है और लोगों को अभी तक वो सहन में है और वो टीवी का सबसे फेमस शो था। रश्मि देसाई को कहा जा रहा है कि वो इस सीज़न की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। आते ही रश्मि देसाई की रूमर्स क्रिएट होने लगे उनकी शादी को लेकर। उन्होंने उस रूमर्स को डिनाई किया और कहा जो ये कह रहा है वो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। रिपोर्टर से बात करते हुए रश्मि देसाई ने बताया, मैं हमेशा से बिग बॉस करना चाहती थी पर थोड़ी नर्वस रहती थी, इसलिए मैंने कभी बिग बॉस को हाँ नहीं कहा। बिग बॉस मेरे लिए एक जर्नी रहेगा जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरे कंटेस्टेंट्स के नाम की तरफ आते हैं, जो कि है देवलीन भट्टाचार्य। साथ निभाना साथिया आप सबको याद होगा, उसकी गोपी बहू कैरेक्टर आपको याद हो गया। देवलीन भट्टाचार्य गोपी बहू कैरेक्टर से काफ़ी अलग है। रियल लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और गोपी काफ़ी सरल और सीधे स्वभाव की थी, इसीलिए इंटरेस्टिंग होगा उनको इस सीज़न में देखना उनका ये बोल्ड अवतार। तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ आते हैं, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को हम सब ने उत्तरन में देखा है, बालिका वधू में देखा है और कुछ फिल्मों में भी देखा है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उनका एक कैमियो रोल था जिसमें लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया था। इस सीज़न में भी वो घर के फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और लोग उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं, खासकर लड़कियों के बीच में वो काफ़ी फेमस हैं, इसीलिए इंटरेस्टिंग होगा इस सीज़न में उनको देखना। चलिए तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ आते हैं, जो कि पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा को हमने देखा था स्प्लिट्स फिला रोडीज में और वो जो कि काफ़ी बोल्ड और एंग्री लुक में रहते हैं। इस सीज़न में भी आते ही उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में लोगों से बहस कर ली और जो उनका स्वैग और एटीट्यूड है वो लोगों में दिख ही रहा है, लोग उन्हें अभी भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आते हैं माहिरा शर्मा की तरफ। माहिरा शर्मा जो टिकटॉक का एक फेमस चेहरा है और नागिन 3 में भी नज़र आई थी, वो भी इस सीज़न में हमें नज़र आ रही हैं। कोयना मित्रा जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो भी इस सीज़न में हमें दिख रही हैं, जिनको सागी सागी गर्ल कहा जाता है। वैसे भी आपको बता दें, कोयना मित्रा काफ़ी दिनों से बॉलीवुड में नज़र नहीं आ रही हैं और बिग बॉस में उनको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बॉलीवुड में काम किए उन्हें काफ़ी दिन हो गया है और बिग बॉस में उनका ये बॉलीवुड के गैप के बाद बिग बॉस में उन्हें बहुत दिन बाद दिखेंगी, इसीलिए उनको इंटरेस्टिंग होगा देखना। उनका कहना था कि बिग बॉस मुझे नहीं पता कि बिग बॉस में मैं कैसे रहूँगी और क्या होगा अंदर जाने के बाद, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, अबू मलिक, आरती सिंह और दिलजीत कौर, बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में जो कि इस सीज़न में आपको नज़र आएंगे। इसीलिए बॉलीवुड और बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।